तो जी हाँ भाई और बहन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है रेहाना और आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइज आज मुझे बहुत सारा काम है, आज मैंने इंट्रो बहुत जल्दी जल्दी किया। ओए काम कर ले, काम कर ले, काम कर ले डंगर कहीं के। तो गाइज आज मेरे डिलीवरी के लिए जाना है यार, मेरे को बहुत सारे डायमंड्स और एमराल्ड्स जो है वो डिलीवर करने हैं। सबसे पहले मैं जाके चीफ को मिल के आता हूँ, चीफ से मैं परमिशन ले लेता हूँ दूसरे गाँव में जाने की, क्योंकि जॉम्बिस का अटैक हो रहा है। चीफ दूसरे गाँव में जाने की परमिशन है ना मेरे को? हाँ साइड हो जा। चीफ को मार दिया, अभी ये डायमंड काट लेगा भाई, क्या ही बताऊँ। तो गैस सबसे पहले मुझे अपना स्कूटर उठाना है, अरे उठाना है इसको, यहाँ पे ऐसे बाहर रख देना है। बाहर रखने के बाद दरवाजे ठीक से काम करिए, हो वही कोने में ही खड़ा रहता है, क्योंकि इसकी जो है पेमेंट जो है इसको डराता हूँ मैं। तो इसकी जो पेमेंट है वो 5 सालों से नहीं बढ़ी, 5 सालों से ये ऐसे ही काम चल रहा है। तो गाइस मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये जो है ये मेरा गैरेज है, ये मुझे चीफ ने दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जॉम्बी बॉस को मारा था अपनी इस गन से। यार मेरे को एकदम फुद्दू गन दे के रखी है, देखो क्या है, क्या है ये, इसको रिलोड होने के लिए 1 घंटा लगता है। तो गाइस आज हमको बहुत सारे डायमंड्स और एमराल्ड जो है डिलीवर करने जो दूसरा गांव है वहाँ के चीफ को। तो गाइस मेरे को पता नहीं कि दूसरा गांव कहाँ पे, बस चीफ ने बोला था इन पहाड़ियों के मतलब उस साइड की जो है दूसरा गांव है। तो अब मेरी जो ये स्कूटर है वो वाटर प्रूफ है, इसीलिए वो मुझे ही भेजते हैं, और मैं अपने स्कूटर किसी को लेने नहीं देता, क्योंकि यू नो गाइस इट्स टू एक्सपेंसिव। तो सबसे पहले अब हम लोग उस गांव में चलते हैं, गांव में जाने के बाद हम डिलीवरी कर देंगे। यहाँ पे इतना सारा कॉबलस्टोन क्यों पड़ा हुआ है पता नहीं भाई किसने रख दिया। तो गाइज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आयरन है, फिर अपने तेल के पीपे हैं और गोलियाँ हैं कुछ इस गन की और खाने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं इस गांव में अभी आ चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं अपना स्कूटर यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, पे इतना सारा गंद पड़ा हुआ है। यहाँ की चीफ की बिल्डिंग में अपने को जाना पड़ेगा चीफ। तो गाइस चीफ इज नॉट हियर, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ से निकल लेता हूँ सबसे पहले। ओ भाई मेरे को लगा कि परफेक्ट लैंडिंग हो गई, थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन पता नहीं कि चीफ कहाँ है। चीफ 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 चीफ, पूरे गांव में चीफ नहीं है भाई, क्या ही बताओ। तो काम करते हैं कि किसी को पूछ लेते हैं, ओ डॉक्टर साहब चीफ कहाँ है? अच्छा अगले गांव में गया है। अरे यार अगला अगले गांव में जाना पड़ेगा मेरे को चीफ को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले अपनी स्कूटर ले लेता हूँ, फिर अपने अगले गांव में चलता हूँ। ठीक है, मेरी जमा स्कूटर। स्कूटर नहीं दिखा, दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। तो सबसे पहले अपनी स्कूटर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे गांव में। तो गाइस आज मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे ये डिलीवरी फटाक से करनी, क्योंकि अगर ये डिलीवरी मैंने फटाक से कर दी तो फिर मेरे को 64 डायमंड्स मिलेंगे। तो गाइस अब मैं चलता हूँ दूसरे गाँव में। ओ माई गॉड यार गाइस, मैं बहुत देर से अपनी स्कूटर चला रहा हूँ लेकिन दूसरा गांव मिलता ही नहीं है भाई, क्या ही बताओ। फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है मेरा, 2 पीपे मैंने इसमें भर दिए, अभी भी मुझे नहीं मिला है वो गांव। तो यार 64 डायमंड के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार, आज के आज ही इस डिलीवरी को करना है मेरे को। ये क्या है भाई, ओ माई गॉड ये क्या है, हेमरल्ड्स एंड डायमंड्स, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। यहाँ पे तो एक डेजर्ट टेम्पल हुआ करता था, ये एमरल्ड का और डायमंड का कैसे हो गया भाई, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये एमरल्ड और डायमंड का कैसे हो गया। एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले इसे तोड़ लेता हूँ, ठीक है, मैं तो माला माल हो जाऊँगा भाई, हाथ से टूटता ही नहीं, ये भी नहीं टूटता भाई, क्या मजाक, गोल्ड तो टूट जाए, गोल्ड भी नहीं टूट रहा भाई, ये किस चीज़ का बना हुआ है। काम करता हूँ, रात हो रही है, आज के दिन इस टेम्पल में रुक जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से नहीं कूदूंगा, इसका एंट्रेंस कहाँ से, अच्छा यहाँ से इसका एंट्रेंस, तो यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ। ओ माय गॉड यहाँ पे एक बेड भी है, अभी फिलहाल आज की रात यहाँ पे सो जाता हूँ। यार अभी तक रात ही नहीं यार, जल्दी रात हो जा। तो तब तक क्या, एक एक काम कर लेता हूँ, इसको एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, मतलब ऊपर से पूरा डायमंड का बना हुआ है, नीचे से पूरा सैंड का ही है, मेरे को तो इसका मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा,
है कुछ इसका मैकेनिज्म। ठीक है गाइस, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे से कुछ टॉर्चेस कलेक्ट कर लेते हैं। मेरे को एक टॉर्च चाहिए, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि मेरे अंधेरे में सोने की आदत नहीं है यार। अच्छा, मैं उस 64 डायमंड के लिए इस कर्स टेम्पल में आ गया यार, एक कर्स लग रहा है मेरे को। बट अब क्या ही कर सकते हैं, हम यहाँ पे आ तो चुके हैं तो यहाँ पे अब सो जाते हैं गाइस, यहाँ पे सो जाते हैं। यहाँ पे सोने के बाद गाइस हम लोग फाइनली उठ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग हो चुकी है गाइस। अब हम लोग नीचे आ चुके हैं, पर मुझे देखना है कि इस चेस्ट में है क्या। तो गाइस अगर आप लोग ने देखना है कि इस चेस्ट में है क्या, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। तो 3 2 1 सब्सक्राइब गाइस। तो गाइस इसमें है, ये क्या है भाई, इन्फिनिटी हेलमेट, ये क्या होता है भाई। ये तो नॉर्मल आर्मर जैसा ही दिख रहा है, इसको उठा लेता हूँ भाई। गोल्डन एप्पल 64 भाई, ये कुछ काम का चीज़ हाथ में लगाया। अल्टीमेट स्टीव, ये क्या होता है। हो ऑफ द ग्रीन अर्थ, ये क्या है। प्लैनेट ईटर, नेचर्स र्यून, ये क्या है। सोर्ड ऑफ कॉस्मोस, इन्फिनिटी अटैक डैमेज भाई, ये काम की चीज़ लगी हाथ में। वर्ल्ड ब्रेकर, ड्रैगन एम्यूलेट, ये क्या होता है भाई। एंडर ड्रैगन, हेल्थ 200, ओनर, ये तो मेरा नाम दिखा रहा है भाई यहाँ पे, रेहान 4245, जेंडर फीमेल भाई। अबे क्या क्या बोल रहा, क्या है। मिनी गन, AKM, स्नाइपर राइफल, यार ये उठा लो, सारी काम की चीज़ें लगी है यहाँ पे हाथ पे। तो एक काम करता हूँ, ये आर्मर पहन लेता हूँ, मेरा चीफ कितना खड़ूस है, मेरे को आर्मर ही नहीं देता कोई पहनने के लिए। अब इस छोटी पिस्तौल को नहीं लूँगा मैं। अब सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे AKM रख देता हूँ, यहाँ पे स्नाइपर रखूँगा, और क्या रखूँ, और क्या रखूँ, यहाँ पे मिनी गन रख देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ तो अब ऊपर कैसे जाना है भाई, ऊपर कैसे जाऊँ, ऊपर कैसे जाऊँ। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मैंने जस्ट बोला कि मेरे को ऊपर जाना है और ये आर्मर ऑटोमेटिकली उड़ने के लिए स्टार्ट कर दिया गाइस। तो बहुत ही से तो ओपी आर्मर गाइस जो मुझे यहाँ से मिल चुका है, बट मेरे को नहीं लग रहा कि ये मेरे लिए है, पता नहीं किसके लिए। बट अब मैंने इसको ले लिया, मैं इसको लेके इतना ज़्यादा हैरान नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा आर्मर मैंने किसी के पास देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट देखा था किसी के पास। तो ठीक है ना गाइस, अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाक से जो है यहाँ से काम कर लेता हूँ इसकी पास, पिकैक्स। ओह ओ भाई, मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, अटैक 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 अटैक, अटैक ऑन मी, अटैक ऑन मी, अटैक ऑन मी। ये कौन है भाई, ये कौन है। ए भाई क्या चाहिए तेरे को, देख देख, हम लोग शांति से बात कर सकते हो। अरे शांति से बात कर सकते हैं हम, चल तेरी बैस की, शांति से बात कर नहीं सकता तू, मरना ही था तेरे को। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से एमरल्ड वगैरह तोड़ लेते हैं, डायमंड वगैरह तोड़ लेते हैं। चलो 9 10, इनफ है इनफ है, बहुत ज़्यादा हो गई। मेरा चीफ तो मेरे को डायमंड्स ही इतने कम देता है। एक काम कर लेता हूँ, जब भी मेरे पास शॉर्टेज होगा डायमंड्स और एमरल्ड्स का, तब मैं ना यहाँ से आके लेके जाऊँगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो मेरे पास कितना ज़्यादा एमरल्ड हो चुका है। और ये क्या है, मेरे को ये ड्रैगन एमलुट कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कहना क्या चाहते हो। इसको पहनना होता है क्या, पहन के देखता हूँ उसको, ट्राई करता हूँ पहनने का, नहीं पहन पा रहा भाई इसको मैं। ड्रैगन भागो 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 भाई, कितना खतरनाक ड्रैगन था गाइस, आप लोगों ने देखा, बहुत ही ज़्यादा वो खतरनाक ड्रैगन था गाइस। देखो मैं उड़ सकता हूँ, तू उड़ सक, ये भी उड़ सकता है भाई, ये भी उड़ सकता है। निकलो 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 यहाँ से, निकल ऐसे निकल जाओ। इसको इसको मैं क्या करता हूँ, स्नाइपर से शूट करता हूँ, ठीक है, इसको स्नाइपर से शूट करता हूँ दूर से, ठीक है। कहाँ कहाँ गया ये, कहाँ है। मैं इसको शूट क्यों नहीं कर पा रहा भाई, ये क्या है, यहाँ पे शूट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे शूट ही नहीं कर पा रहा भाई। ये तो मेरा ड्रैगन है क्या, इसके ऊपर ओनर मेरा नाम लिखा हुआ था, इसके ऊपर बैठ के देखता हूँ भाई। ओ भाई मेरा खुद का ड्रैगन, भाई साहब मजा आ गया भाई, क्या ही बताओ। अब क्या करते हैं, इसको वापस इसमें,
क्या है भाई, इसको इसको इसमें कैद कर देते हैं वापस, इसको घर जाके निकालेंगे, ठीक है, नहीं तो पता नहीं कुछ हो जाएगा। तो इसको इसके अंदर फिर से हमने कैद कर लिया है। अब क्या करते, इस बू को टेस्ट करते, ये क्या है भाई। चलो कि एक बू नॉर्मल बू जैसा ही है। ओ मेरे ऊपर फिर से अटैक होने शुरू हो चुके हैं भाई, क्या ही बताओ। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं हमारे स्कूटर लेके फटाफट से, चीफ को बताएंगे कि जो दूसरे गांव का चीफ है वो हमको मिला ही नहीं, ठीक है। तो डिलीवरी आज नहीं हो पाई, सबसे पहले अपने इस आर्मर को छुपाना पड़ेगा भाई। जब तक इस आर्मर को नहीं छुपाऊंगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक काम करता हूँ, इस आर्मर को कहाँ छुपाओ कहाँ छुपाओ कहाँ छुपाओ, एक काम करता हूँ इसको अपने फिलहाल इसको रहने देता हूँ, चीफ को जाके देख लेंगे वहाँ पे। मेरी स्कूटर आगे क्यों नहीं बढ़ रही भाई, इसको कुछ हो चुका है शायद, इसको भी अभी कुछ होना था भाई। चल जा, चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवेंचर रहा मेरा अभी का, अब मैं आपको मिलता हूँ अपने गांव में, ठीक है। तो गाइस अभी जो है मैं अपने गांव के बहुत ही ज़्यादा जो नज़दीक आ चुका हूँ गाइस, और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आर्मर बहुत ही ज़्यादा ओपी है। मैंने रास्ते में इसको बहुत ही बार इस्तेमाल करके देखा, बट इस आर्मर की एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा घटिया लगी कि इस आर्मर को चार्ज होने के लिए मेरा हंगर बार जो है फुल रहने की ज़रूरत होती है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, अरे ये क्या ग्लिच है भाई, मेरा स्कूटर कहाँ गया। अगर मेरा स्कूटर चला जाता ना मैं पूरी दुनिया फोड़ देता भाई। चलो अब उड़ के ही चलते, आधा सफ़र ही रहता है। तो अब मैं अपने गैरेज के पास आ चुका हूँ, मेरे स्कूटर को रिपेयर करने की ज़रूरत है। इसको सबसे पहले यहाँ पे फेंको, इसको खोलो जिमी। ओए डंगर कहीं के, मेरे स्कूटर को रिपेयर कर दे, देख बहुत आर्मर के बारे में जानना है साले डंगर कहीं के।